नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। वे नारायण को देते हैं सभी को, नारायण को लो, नारायण को लो। वे नारायण को देने वाले हैं, इसीलिए भी उनका नाम है नारद, नारायण को देने वाले हैं। तो नारायण नारायण तो वे सर्वत्र कहते ही रहते हैं। बद्रिकाश्रम उनका हेडक्वार्टर है। कौन से नारायण के वे आराधक या पुजारी है? तो बद्रिकाश्रम बद्री नारायण के, इसलिए वो कहते बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। तबे नारद मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र रहे ही नहीं है आज भी, जो सर्वत्र भक्ति का नारायण के कृष्ण के राम के भक्ति का वे सर्वत्र प्रचार करते हैं, अपना वीणा बजाते हुए। मॉडर्न वीणा क्या बज रहा है? सारे ब्रह्मांड में वो भ्रमण कर सकते हैं, मन से जहां वे जाना चाहेंगे संभव है। उनको कोई ट्रेन बुकिंग या प्लेन बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है, अपने स्वेच्छा से वे भ्रमण करते हैं। कई सारे शिष्य संसार भर में उनके, कभी वैसे बड़े बड़े शिष्यों में या थोड़े अधिक उम्र वाले शिष्यों में, वाल्मीकि भी उनके शिष्य है। वाल्मीकि मुनि को वे संक्षिप्त रामायण सुनाए और उसी के आधार पर रामायण का आगे विस्तार किए वाल्मीकि मुनि। तो वाल्मीकि उनके शिष्य है। श्रील व्यासदेव भी नारद मुनि के शिष्य है। धर्मादयस्य अर्था मुनिवर्या नो कीर्तिता वासुदेवस्य महिमाहीन अनुवर्णिता। ये वचन नारद मुनि के ही है। श्रील व्यासदेव को वे कहे सुधार करो सुधार करो, तुम बड़े लेखक तो हो, बड़े ऑथर हो, कई सारे ग्रंथ तुमने लिखे तो है। तो नारद मुनि जो श्रील व्यासदेव के गुरुदेव है, उन्होंने अपने शिष्य के लिखे हुए सभी ग्रंथों का एडिटिंग किया, रिव्यू किया और फिर कहा नहीं 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 सुधार होना चाहिए, वासुदेव का महिमा कहाँ है, वासुदेव के महिमा वाला ग्रंथ लिखो।
फिर श्रील व्यासदेव श्रीमद् भागवत की रचना किए। हुआ वाल्मीकि मुनि उनके शिष्य है व्यास मुनि, वेद व्यास उनके शिष्य है। ये बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि हुए, तो छोटे भक्तों में ऐसे उम्र से कम छोटे जिसको हम कह रहे हैं, वैसे कोई वयोवृद्ध होता है, वैसे सभी वयोवृद्ध होते ही हैं धीरे धीरे, और फिर ज्ञान वृद्ध भी होते हैं। तो जिनको मैं छोटे भक्त या शिष्य कहने जा रहा था, प्रह्लाद महाराज और ध्रुव महाराज, उम्र से वे छोटे जरूर थे, 5-7 साल के, लेकिन ज्ञान के दृष्टि से वे ज्ञान वृद्ध थे, अनुभव से वृद्ध थे। ऐसे शिष्यों के गुरुदेव तो वे अन्य स्थानों पर नारायण नारायण कहते होंगे, लेकिन जब ये वृंदावन पहुंचते हैं नारद मुनि, नारद मुनि के भक्ति सूत्र प्रसिद्ध है, इसकी रचना उन्होंने वृंदावन में ही की। गोवर्धन के तलहटी में ही, गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग पर ही नारद कुंड नाम का कुंड है, वहाँ उन्होंने एक सर्वोत्तम उत्तम भक्ति का ग्रंथ लिखा, नारद भक्ति सूत्र के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो वृंदावन में वहाँ पर भी वीणा बजाते हैं और वह राधिका रमण के वो गुण गाते हैं, जय राधे जय श्री कृष्ण की। तो राधा कृष्ण के गुण में वृंदावन में गाते हैं, ऐसे अन्य स्थानों पर भी वे गाते हैं राधा कृष्ण के गुण, राधा कृष्ण के लीलाओं में, और उसमें भी रास क्रीड़ा नामक जो राधा कृष्ण की लीला है, इस लीला में प्रवेश का अधिकार भी नारद मुनि को है। जय नारद। मुनि जी की जय। उनका एक गीत हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं, नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे, नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे, नाम अमनि उदित हो भगत गीत सामे, नाम अमनि उदित है भगत गीत सामे, नाम अमनि उदित है भगत गीत सामे, नारदमुनि बजाय वीणा राधिका।
नारद मुनि बजाय बीना राधिका रमन नामे। नारद मुनि बजाय बीना राधिका रमन नामे। पंचवदन नारद धरी प्रेमे रस सघन रोल। पंच नारद हरी प्रेमे रस सघन रोल। कमल आसन नाचिया बले बोल बोल हरी बोल। कमल बोले बोल बोल हरी बोल। नारद मुनि बजाय बिना भगति विनोद दास। भगति विनोद दास नारद मुनि बजाय बिना राधा रमण हरिबो।
राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण हरि बोल।